पार्टी सेशन इज ऑन एंड आई एम हियर इन ट्राई प्लाजा होटल एरो सिटी। एक्वा है, मैं हूँ, ग्रिल का है इंतजार। सोच रहे होंगे कि ग्रिल में क्या होने जा रहा है इस बार, तो क्विकली हैव अ लुक विद आवर शेफ व्हाट इज द लाइव सेशन ऑफ ग्रिलिंग इन एक्वा ग्रिल। तो वी आर एट द एक्वा ग्रिल और आप देख सकते हैं लैविश पैटर्न लग चुका है और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ शेफ शैलेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। हाय शेफ। नमस्कार। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक्वा ग्रिल पे स्वागत है। मेरे साथ हैं एफएनबी मैनेजर मिस्टर प्रीतपाल सिंह, संदीप यादव जो अब मेरे नंबर टू हैं, और हम सबको असिस्ट कर रहे हैं शेफ गोपाल। रेस्टोरेंट जो है वो स्टार्ट होता है हमारे इस एप्रन के साथ। जब भी कोई गेस्ट होता है आते हैं तो हम उन गेस्ट को ये एप्रन देते हैं। मुझे आप क्या खिलाने जा रहे हैं आज? आप एज सागरिका इज बैनर्जी एंड आई थिंक कि बंगाली जी हैं तो उनके लिए मच्छी इज गोइंग टू बी। आई डोंट माइंड अ रेड स्नैपर फॉर दैट मैटर बिकॉज अभी हम लोगों ने मीट और बाकी सारे कुछ, क्योंकि जब भी हम होटल इंडस्ट्री में आते हैं सैलमन और सोल और ये बासा का ही रहता है, बट आई रियली वांट टू गो फॉर रेड स्नैपर। सो हाउ यू वांट टू मेक इट फॉर यू? अब हमारे शेफ संदीप मच्छी गार्लिक और इसके साथ मैरिनेट करेंगे और हमारे इस वेबर पे लेमन फ्लेवर सॉल्ट, गार्लिक फ्लेवर, बेसिकली मैरिनेट। क्या होता है कि आप इसको बॉडी को थोड़ा सा अगर इसी चीज के साथ रब करेंगे तो जो इसके फ्लेवर्स और टेस्ट है ये इसकी स्किन के साथ मैरिनेट होंगे और फिश खाने में बहुत अच्छी लगेगी। शेफ ने अब हॉट ग्रिल पे डाल लें, सिजलिंग हो रहा है, मतलब परफेक्टली टेम्परेचर है इस समय से ओवन का। अब इसको एक साइड से पकाएंगे 45 सेकंड, फिर निकालेंगे, दूसरी साइड पलटेंगे, अनदर 45 सेकंड, अब बोथ द साइड सीरिंग एंड देन 1 मिनट इन टोटल। आई वुड पुट दैट, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट 45 सेकंड। ऑल द बेस्ट, लेट्स सी। अब हम ट्राई करेंगे रुमाली रोटी। हर कोरमा आपका रुमाली के साथ जाएगा। अगर आप घर में करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उल्टा टमाटर के भी कर सकते हैं, वो दैट मैटर जो है ना, घर पे अगर बनाना चाहते हैं तो। हमारी रुमाली रोटी बन के तैयार हो चुकी है, एक बार नजर घुमाते हैं और देखते हैं हमारी रेड स्नैपर क्या कर रही है। उन्होंने साथ में बेल पेपर्स भी फ्रियर कर लिए हैं बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, अगर फिश है या तो साथ में उनके साथ कुछ ना कुछ एड ऑन होने चाहिए। सो यू हैव ऑल द रेड बेल पेपर्स विद यू। वेल शेफ, इंटरेस्टिंग लुकिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड लुकिंग एट द एम्बियंस इन एक्वा ग्रिल, आई मस्ट से कि अगर आप पार्टीज के लिए सोच रहे हैं और अगर आप वाकई में चाहते हैं दैट यू रियली वांट टू हॉप इन, ट्राई प्लाजा इज रियली वेटिंग फॉर यू पीपल एंड एक्वा ग्रिल इज ऑल सेट टू फायर एब्सोल्युटली विद अ डिलीशियस डेलिकेसी। द रेड स्नैपर, कहाँ से शुरू करूँ शेफ, बिकॉज़ दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, खाने में आई एम श्योर और भी लजीज होगा। विद एज वी जस्ट सेड, फिश बहुत जल्दी पक जाता है। ब्लिस, द ओनली वर्ड इज ब्लिस। Amazingly tasty. Thank you very much. Thank you everyone. So on that note, I must say that इस बार के एपिसोड में आपको हमने ना सिर्फ एक बहुत बेहतरीन कुजीन बनाने सिखाई, साथ ही साथ ये भी बताया कि कहाँ पर आप हॉपिंग कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर पार्टी एंड डेफिनेटली ऑल न्यू ईयर सर्विस फॉर यू एट वॉज इज वेटिंग टू गाइस। तो चलिए फिर उम्मीद करते होगी आपकी मुलाकात कुछ नए नए डेस्टिनेशन एंड कुछ नए नए कुजीन के साथ। कैमरामैन देव के साथ शागरिका बैनर्जी। We'll be right back.